अच्छा आज मैं एक चीज़ आपको दिखाऊंगा कि वो कुआ जिसमें आप सल्लम की अंगूठी मुबारक गिर गई थी, तो इसको बंद कर दिया लेकिन इसको निशानदेही कर दी इन्होंने टाइल्स लगा के। कुछ अस्सलामुअलैकुम, तो आज मैं आया हूँ मस्जिद कुबा। ये मस्जिद कुबा ठीक है ना, इसका जो बैक साइड दूसरा दरवाज़ा है ना, जो एक मेन दरवाज़ा पीछे से है इधर से दूसरी साइड से, और एक ये दरवाज़ा है। तो यहाँ से जब आएंगे ना निकलने के बाद, तो ये देखो एक निशानदेही कर दी है यहाँ पे, ये वो जगह है, इसको गोल गोल मुरब्बा सा बना दिया इन्होंने बस। इसका ये कुआ था वो जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी जिसे ख़तिम कहते हैं, ख़तिम कहते हैं जिसे, वो यहाँ पे गिर गई थी। तो ये वो कुआ है, इसके बस निशानदेही कर दी छोटी सी, काफ़ी लोगों को पता नहीं इस चीज़ का। वो अंगूठी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस कुएँ में गिर गई थी, तो इस कुएँ का पानी निकाला गया, 2 से 3 दिन लगे उसको पानी को निकालने में। फिर वो अंगूठी का जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई फरमान जारी करते थे, किसी को कुछ लिख के भेजते थे, तो इस अंगूठी की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ख़त्म लगाते थे, यानी मोहर लगा देते थे, इस पर लिखा हुआ था मोहम्मद रसूल अल्लाह, इस पर यह लिखा हुआ था, तो इसकी ख़त्म लगती थी। ये बिल्कुल जस्ट बराबर में है, लेकिन ये किसी को निशानदेही करी इन्होंने पहले चारों तरफ इसके ना, बस कि ये निशानदेही है इसकी, यहाँ पर कुआ है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मदीने की अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम।